हेलो दोस्तों, कैसे हो। केमटासिया 2021 आ चुका है और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। 8-9 नए फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैंने 2020 वाले के लिए एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कंपैरिजन किया था फिल्मोरा वर्सेस केमटासिया का। तो बहुत सारे लोग नाराज हो गए थे कि आपने फिल्मोरा को अच्छा बता दिया, केमटासिया लो बता रहे हो। पर फिर से कंपैरिजन करते हैं। अब की बार मुझे लगता है केमटासिया कहीं ना कहीं फिल्मोरा से जीत जाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना और लाइक कर देना वीडियो को। यार कई लोग तो स्किप कर देते हैं, ऐसा मत किया करो। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन मुझे अब की बार ये फीचर लगा कि ओपनिंग इंटरफेस दे दिया है अब की बार केमटासिया वालों ने। अब की बार जब आप ओपन करेंगे केमटासिया को, देखो आपको एक पॉपअप विंडो देखने को मिलेगी जिसमें आपको रिसेंट मिल जाएगा, जो न्यू प्रोजेक्ट का है और जो रिकॉर्डिंग के लिए आपको सारे फंक्शन मिल जाएंगे। पहले क्या होता था, सीधा आपका वीडियो एडिटर ओपन हो जाता था और उसमें आपको जाकर के रिसेंट ढूंढना पड़ता था, तो बहुत दिक्कत होती थी। और यहाँ पर आप सीधा न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। बस आपको न्यू प्रोजेक्ट में जाना है और एक क्लिक कर देना है, ये ओपन हो जाएगा। ऐसे आप न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। आसान है, बहुत आसान है अब की बार। अब बात करते हैं हम मीडिया इंपोर्ट्स के बारे में। मीडिया इंपोर्ट के पहले भी बहुत सारे ऑप्शन थे, पर अब की बार कुछ चेंज हुआ है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। पहली बात तो इंपोर्ट के लिए आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो मिड में आपको ये ग्रीन बटन मिल जाएगा, उसके नीचे आपको ये प्लस का साइन मिल जाएगा। जो प्लस के साइन में आपको मीडिया फाइल्स जो लोकली और एक गूगल ड्राइव से आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। जो लोकली आप करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो बस, और कोई भी फाइल जो है वीडियो या ऑडियो या फिर आपको इमेज, उसको सिलेक्ट करो और ओपन कर लो, तो ये एक्चुअली यहाँ पर ओपन हो जाएगा। बट आपको थोड़ा सा चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो फाइल आप ओपन करते हो उसका टाइप भी साथ में बताएगा। जैसे मैंने वीडियो ओपन की तो यहाँ पर ऊपर वीडियो लिखा हुआ है। अब मैं कोई इमेज आपको ओपन करके दिखाता हूँ। आप सोच रहे होगे कि हाँ इमेज के लिए भी इसमें ऐड हो जाएगा। हाँ ऐसा ही है, बेसिकली ऐसा ही है। जैसा आप ओपन करोगे तो इमेज का भी यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। बट इम्पोर्टेंट ये नहीं था। अभी देखो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आप एक और कोई भी ऑडियो वीडियो या फिर कुछ भी जैसे भी दो फाइल्स को ओपन कर लो एक साथ कर लो। नहीं, मैं इमेज कोई दोबारा ओपन कर लेता हूँ। मैं कोई और इमेज ढूंढ लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये इनमें से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर ले, चलो ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर वीडियो है, नीचे बहुत सारी फाइल है। मान लो कि एक ही वीडियो होती है और बहुत सारी इमेज होती है, तो ये वाला बटन क्लिक कर दो, इससे इमेज ऊपर आ जाएंगी और वीडियो नीचे चली जाएगी। इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, लगाना अच्छा। उसके बाद आता है क्विक व्यू का, और मुझे सच में क्विक व्यू वाला ऑप्शन बहुत अच्छा लगा। जैसे आप कोई भी मीडिया इंपोर्ट करते हो, जैसे वीडियो इंपोर्ट करते हो, तो उस पर जाकर के आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट स्क्रॉल करोगे तो आप वीडियो को प्ले कर सकते हो। जैसे नॉर्मली वीडियो टाइमलाइन में प्ले होता है, वैसे ही वहां पर प्ले होगा। इससे आप वीडियो में जो भी कंटेंट है उसे आसानी से देख पाओगे। नेक्स्ट फीचर है फेवरेट टैब का, और मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आप कलेक्शन करके रख सकते हैं मीडिया इंपोर्ट्स को, ट्रांजेक्शन्स को, बिहेवियर्स को, तो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी कलेक्शन करके रखा भी है एक को, पर यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन लेकर के बिहेवियर सबको जो है एक जगह पर स्टोर करके रख सकते हो। मैं ट्रांजेक्शन पर गया, जो भी मेरा फेवरेट ट्रांजेक्शन है उसके कोने में जाकर के देखूँगा, स्टार बटन पर क्लिक कर दूंगा, और फिर क्या होगा, ये आपको फेवरेट टैब में मिल जाएगा। बहुत आसान है यार, आपको जस्ट एक क्लिक करना और आपको आगे से सभी वहीं पर मिल जाएंगे। अगले अपडेट की बात करें तो ये है 75 प्लस ट्रांजेक्शन्स, और ये वाले ट्रांजेक्शन सच में मुझे तो केमटासिया यूज़ करने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके सभी फेवरेट ट्रांजेक्शन देखने में मिल जाएंगे। फिलहाल तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन पे जाओगे, लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो आपको प्ले होके दिखाएगा कि कैसे वो वर्क करता है। बट आप जैसे ही नीचे जाओगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, चलो थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, और यहाँ पर आपको तीन ग्लिच इफेक्ट देखने मिलते हैं। मुझे ग्लिच वाले इफेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो में लगे भी होते हैं, तो ये वाले फीचर भी अब यहाँ पर आ चुके हैं, आसानी से यूज़ कर पाओगे। और ये ग्लास वाला आप देखोगे, ये ग्लास वाला फंक्शन तो सच में यार बहुत कूल है, आप यूज़ करके जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगा। अगला अपडेट है कॉर्नर राउंडिंग का, और नाम से ही पता चल रहा है कि आप इसमें कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं, चाहे वीडियो हो, चाहे कोई इमेज हो, या फिर कोई क्लिप आर्ट हो। ठीक है, आप सभी का जो है कॉर्नर राउंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस ड्रैग करके आपके जो मेन स्क्रीन है वहाँ पर इमेज को ले आना है, और उसके बाद इसका थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए कि आपको पता चल सके कि कॉर्नर राउंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये वाला ना फीचर मुझे बहुत जगह यूज़ आएगा, मैं आपको बताऊँगी कहाँ कहाँ यूज़ आएगा, बट उससे पहले आप एक बार ट्राई करके देखना। जैसे ही मेरे ट्यूटोरियल आएंगे केमटासिया से रिलेटेड, तो आपको ये वाले फीचर मैं ज़रूर यूज़ करके दिखाऊंगा। फिलहाल तो आपको मैं इस इमेज पे लगा के दिखाऊंगा, बस इस पे ड्रैग करके आपको, और रेडियस को आप इंक्रीज करके देखोगे ना, तो देखो ये पूरा राउंड हो जाएगा। अब फिलहाल मुझे ये नहीं पता कि ये ऐसी बाद में ऐसी शेप क्यों लेता है, पहले तो ये राउंड होता है फिर अजीब सी शेप लेता है। और यहाँ पर आप कॉर्नर को रिमूव कर सकते हो, जैसे ऊपर वाला कॉर्नर रिमूव कर देते हैं, या फिर आप ऊपर वाले दोनों कॉर्नर या फिर चारों कॉर्नर्स को भी रिमूव कर सकते हो। चारों का ऑप्शन क्यों दिया है ये मुझे नहीं पता। चलो फिर अगले फीचर की बात करते हैं, ये मीडिया मैट का, और अगर आप सच में एडिटिंग एनिमेशन के दीवाने हो ना, तो ये वाला फीचर आपको बहुत यूज में आएगा। देखो मैं पहले इमेज को पूरा स्केल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कोई भी शेप ला करके इस पर ड्रैग कर दूंगा। और याद रखना, अगर आपको कोई भी इमेज मीडिया मैट करनी है तो उसके ऊपर आपको शेप को अप्लाई करना है, या फिर शेप को ड्रैग करके लेके आना है। ठीक है, सिंपली ड्रैग करके ले आना, उसके ऊपर रख देना।
अब क्या करना, जो भी वाला जो ये वाला फीचर है मीडिया मेट का जो कि आपको विजुअल इफेक्ट्स में मिल जाएगा, इसको ड्रैग करके ऊपर वाली जो शेप है उस पर अप्लाई कर देना। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, ये ट्रांसपेरेंट है, कोई इमेज मैंने इसके बैकग्राउंड में लगाई नहीं इसलिए दिख नहीं रहा, बट आगे जो वीडियो आएंगे उनमें आपको पता लग जाएगा कि पूरा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो आप इसको जब स्टार को लेकर के कहीं आप मूव करोगे ना, तो ये जो नीचे वाली इमेज है उसको अलग अलग जगह से पोर्शन से दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ तो ये लेडी हमें दिख रही है, तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर आप अल्फा इन्वर्ट करोगे तो आपको बिल्कुल इन्वर्ट होकर इमेज मिलेगी, और टोटल हमें यहाँ चार ऑप्शन देखने में मिल जाते हैं, तो चारों को आप यूज़ करके देख सकते हो। अगले फंक्शन की बात करें तो मोशन ब्लर, आपने देखा होगा कई बार टेक्स्ट जो आते हैं, बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिनमें टेक्स्ट बीच में अगर सेंटर में आता है तो वो जब आता है तब ब्लर रहता है, वो वहाँ पर आकर के ना पूरा रिवील हो जाता है, तो वैसा ही ये वाला फंक्शन है। आप इसको जब यूज़ करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि कैसे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, बट अब मैं आपको छोटा सा यहाँ पर रिव्यू देता हूँ कि कैसे आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, फिलहाल तो एक एनिमेशन जो यहाँ पर लगा लेना है। मैं एक स्टार लेके आया हूँ, ये बेसिकली एक शेप है, तो मैं स्टार को मूव कराऊंगा लेफ्ट कॉर्नर से लेकर के राइट कॉर्नर तक, और जो बीच में होगा ना ये ब्लर होके वहाँ तक जाएगा। अभी फिलहाल जैसे मैं इसको लगा रहा हूँ यहाँ पर ला करके, एक बार मैं इसको राइट कर देता हूँ, इसको राइट की तरफ ड्रैग करेंगे और यहाँ पर रख देंगे। और आपको ये नहीं पता है कि एनिमेशन कैसे अप्लाई किया जाता है, तो नेक्स्ट वीक या इसी वीक से हम ट्यूटोरियल अपलोड करने शुरू करेंगे कैमटासिया के, तो वहाँ पर आपको सारे ट्यूटोरियल मिलेंगे एनिमेशन से रिलेटेड और जितने फीचर है ना सभी से रिलेटेड, तो उन वीडियोस को जरूर देखना, आपकी जो एडिटिंग है बहुत ही बेहतर हो जाएगी, आप प्रो लेवल भी एडिटिंग कर पाओगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही हम प्ले करेंगे तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और ये तो एक छोटा सा मैंने एनिमेशन करके दिखाया, आप बहुत कुछ कर सकते हो, सच में बहुत ज़्यादा कुछ किया जा सकता है एनिमेशन से। यहाँ पर फिलहाल तो जो है मोशन ब्लर वाला इफेक्ट लगा के देख लेते हैं, मोशन ब्लर को लाएंगे और इस पर हम अप्लाई कर देंगे। बस सिंपली आप अब इसको प्ले करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बीच में जो है जो स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंड पॉइंट है उसके बीच में ये ब्लर होगा। जैसे ही हम इसको प्ले करेंगे तो ये देखो अभी थोड़ा थोड़ा ब्लर हो गया, देखो पूरा ब्लर हो गया और अब फिर से रिवील हो गया है। तो ऐसे आप कर सकते हो और इससे आप बहुत कुछ बना सकते हो, ठीक है। अगला अपडेट है डिवाइस फ्रेम का, और डिवाइस फ्रेम यानी जैसे कि लैपटॉप स्क्रीन हो गई, मोबाइल स्क्रीन हो गई, या फिर कोई भी जो टैब होती है उनकी स्क्रीन हो गई, वो आप सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और अकेला अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि कोई भी हम वीडियो उठा लाते हैं, यहाँ पर उस वीडियो ड्रैग कर देते हैं, अब इसको अच्छे से मिड में ड्रैग कर देना जहाँ से कि ये पूरी तरह इसको कवर कर ले, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में ले जाते हैं, अब जाते हैं विजुअल इफेक्ट्स में, और यहाँ पर आपको डिवाइस फ्रेम का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको ड्रैग करके यहाँ पर अप्लाई करोगे तो बूम, ये अपने आप जो है डिवाइस फ्रेम की जो ऊपर वाला जो स्क्रीन है उसमें अप्लाई हो जाएगा और पूरी वीडियो उसी में प्ले होगी, तो है ना मज़ेदार फीचर। यहाँ पर आप डिवाइस फ्रेम है उसको चेंज कर सकते हो, अभी तो फिलहाल आपको डेस्कटॉप दिखाई दे रहा होगा, आप आईफोन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे डिवाइस फ्रेम देखने को मिल जाएंगे, और भी डाउनलोड करना चाहो तो अपने ब्राउजर से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोक्सी वीडियो के बारे में। आप अगर 4K वीडियो एडिट करते हो और आपके पास कोई लोकल सा कंप्यूटर, मतलब जो ज़्यादा हैवी ग्राफिक्स नहीं है उसमें, तो आपको ये वाला फीचर बहुत यूज़ में आएगा। मेरे पास भी कोई ज़्यादा भी एडवांस है नहीं कंप्यूटर, तो मैं ये वाला ही यूज़ करता हूँ। यहाँ पर आपको प्रोक्सी वीडियो क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। जैसे ही प्रोक्सी वीडियो क्रिएट करोगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा और आपकी वीडियो को प्रोक्सी वीडियो में क्रिएट कर देगा। बेसिकली करता क्या है कि आपकी जो वीडियो है उसका साइज बिल्कुल डाउन कर देता है, जैसे कि 10 MB है तो ये लगभग 1.5 MB या 1 MB से भी नीचे ले आएगा, ठीक है। इतना तो आपको पता है कि अगर कोई 4K वीडियो एडिट करते हैं और उस कंप्यूटर में करते हैं जिसमें ग्राफिक कार्ड है ही नहीं, ठीक है, जो रैम है वो भी छोटी मोटी है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिलेगा। पर प्रोक्सी वीडियो बना लोगे तो आपको जो वीडियो है बहुत आसानी से एडिट हो जाएगी, और घबराना मत, जो फाइनल क्वालिटी होगी वीडियो की जो है वही निकल के आएगी, यानी अगर 4K है तो वीडियो 4K में ही फाइनल एक्सपोर्ट होके आएगी। अगला अपडेट है ऑप्शन ऑन ऑफ का, और ये वाला फीचर तो सच में कैमटासिया में चाहिए था। जब से मैं कैमटासिया यूज़ कर रहा हूँ एक चीज़ से बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ, और वो है इनका इफेक्ट सेक्शन। आप इफेक्ट लगाओ, आपको इफेक्ट बिना वीडियो को देखना है तो आपको इफेक्ट को डिलीट करना पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं होता, इन्होंने पता नहीं अभी तक क्यों कर रखा था। तो अब की बार आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे ये ग्रीन वाला है, इसको आप जैसे क्लिक करोगे अगर ग्रीन हुआ हुआ तो जो इफेक्ट है वो डिसेबल हो जाएगा, और फिर से क्लिक करोगे फिर ग्रीन हो जाएगा, तो इसका मतलब जो है अनेबल हो चुका है। तो ये वाला फाइनली फीचर आ गया है, इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी हम जैसे वीडियो एडिटर को जो कि इफेक्ट लगाते हैं और उन्हें बार बार जो है इफेक्ट को ऑन ऑफ करके देखना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर एक प्लस साइन दिख रहा होगा, इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो एक प्रीसेट ऐड हो जाएगा, जब बिहेवियर लेके चलते हैं तो बिहेवियर का प्रीसेट ऐड होगा और ये लाइब्रेरी में ऐड हो जाता है, ठीक है। अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर क्रॉस पे क्लिक कर दो, इससे क्या होगा वीडियो इफेक्ट आपका हट जाएगा। अब बात करते हैं इम्फेसाइज ऑडियो, और अगर आप जो नॉर्मली वीडियो बनाते हो उसमें आप बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करते हो तो ये वाला आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगा।
आपको बिल्कुल टेंशन छोड़ देनी है कि आपने बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया, आप वॉइस ओवर दे रहे हो और जहाँ पर वॉइस ओवर आ रहा है उस पर आपको म्यूजिक को डाउन करना है, और जैसे ही वॉइस ओवर चला जाता है तो आपको म्यूजिक को जो है फिर से ऑन कर देना है। ये वाली दिक्कत अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर मैंने एक ऑडियो के ऊपर एक और ऑडियो लगा ली है, तो मैं अब आपको इम्फेसाइज जो ऑडियो का इफेक्ट है वो लगा के दिखाऊंगा। वो बेसिकली आपको जो है ऑडियो इफेक्ट्स में आपको मिलेगा, वहाँ पर आपको जाना है, उसको जैसे ही ओपन कर लेना है। मैं एक बार इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, जैसे ही ऑडियो, हाँ ये ओपन हो गया। अब इस पर आपको ड्रैग करके आप इसको ले आए नीचे, और उसके जस्ट ऊपर वाली जो भी आपकी जो ओरिजिनल आवाज़ है म्यूजिक से अलग, उस पर आपको अप्लाई कर देना है। तो ऐसे आप ना अपने जो खुद की वॉइस है उसको बैकग्राउंड म्यूजिक से अलग कर सकते हो। सिंपली एक स्टेप है, आपको ड्रैग करना है, ठीक है, कहीं भी और वॉल्यूम अप डाउन करने की जरूरत नहीं है। अगला अपडेट आता है क्विक प्रॉपर्टीज़ का, और ये वाला फीचर आपको बहुत जगह यूज़ आएगा। अगर आप बनाते हैं ग्रुप, या फिर आप कोई भी ग्रुप जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, यानी कोई भी टेक्स्ट उसके साथ में एक बैकग्राउंड लगा हुआ है वो एग्जिस्ट करता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। यहाँ पर मैं दो टेक्स्ट को लेकर के आपको बताऊँगा, बट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप दो वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं, वीडियो टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्लिप आर्ट्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मिला करके आप कर सकते हैं। आप हर किसी एक एक इंडिविजुअल पार्ट को बेसिकली उस ग्रुप के बाहर से एडिट कर पाओगे। अगर कैमटाशिया 2020 की बात करें, उसमें क्या होता था कि आपको ग्रुप ओपन करना पड़ता था, और वो ग्रुप भी वहीं पर ओपन होता था जहाँ पर आपने ग्रुप को ड्रैग किया हुआ है, वहीं पर क्लिक करोगे तो उसी टाइमलाइन में वहाँ पर ओपन होता था। बट अब की बार ऐसा नहीं है, जैसे मैंने इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया है, कंट्रोल जी भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब मैं जैसे ही इस पर प्लस साइन पे क्लिक करूँगा तो ये अलग से टैब ओपन करके देता है, और इस टैब में जाएंगे तो आपको ये जो भी ग्रुप हुआ था वो आपको मिल जाएगा, तो आप आसानी से एडिट कर सकते हो। यहाँ पर किसी और चीज़ को इफेक्ट भी नहीं होगा। बट पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अगर आप एडिट करते तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता था कि नीचे वाले कोई ट्रैक है जो वो एडिट ना हो जाए, या फिर ऊपर वाले ट्रैक में कोई दिक्कत ना आ जाए, तो ऐसा सब कुछ हमें ध्यान रख के करना पड़ता था। बट अब तो बहुत आसान हो गया है। फिलहाल मैं जब इस ग्रुप पे क्लिक करता हूँ तो आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, टेक्स्ट के नीचे एक और टेक्स्ट है, जो दोनों टेक्स्ट बेसिकली ABC में लिखा हुआ है उनका ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ से अगर आप चेंज करेंगे तो बेसिकली आपका चेंज हो जाएगा जो टेक्स्ट है। बहुत आसान है, अब पहले तो डबल क्लिक करो फिर उसको ओपन करो ये दिक्कत आती थी, बट अब सिंपली आपको यहाँ पर टेक्स्ट चेंज करना है, ठीक है। मान लो ये टेक्स्ट मैंने चेंज किया और अब इसका साइज़ बड़ा हो गया, तो सिंपल आपको क्या करना है, देखो वहाँ पर ऊपर की तरफ वापस जाना है और ए पे यहाँ पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी। टेक्स्ट का टाइप, टेक्स्ट फॉन्ट चेंज करने हैं, स्टाइल चेंज करना है, तो सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, आसानी से चेंज कर लो। अब क्या है कि मैंने ये सब कुछ चेंज कर दिया, चलो ठीक है, टेक्स्ट तो चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर जाएंगे तो आप देखिए इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में भी कुछ लगा हुआ है, उसको भी आप चेंज कर सकते हो। आपको कलर चेंज करना है, यहाँ पर आइए आप बेसिकली और कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ ऊपर की तरफ और ज़्यादा लाइट बना देते हैं इसको, चलिए ये वाला, तो देखिए आसानी से एडिट हो गया। अगर आप बाउंड्रीज को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं, बहुत आसान है, सच में बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इस चीज़ को। चलिए ये तो टेक्स्ट बैकग्राउंड की बात हो गई। अगर हम देखें टेक्स्ट के बैकग्राउंड में एक रेक्टेंगल है, उस शेप को भी चेंज कर सकते हैं आप, कोई भी कॉल आउट वाली शेप लगा सकते हो, या फिर और भी जो एरो है वो शेप लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी शेप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। आप जो शेप यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो, और आसानी से उसे एडिट भी कर सकते हो। तो ये तो हो गई बात कि हम प्रॉपर्टीज़ को कैसे एडिट करें। चलिए ठीक है, ये बाहर इतनी प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, इनको भी हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आइए, इस पर क्लिक कीजिए, तो ये ओपन हो जाएगी यहाँ पे। अब देख लो आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको कोई कॉल आउट में चेंज करना है, कैसे भी चेंज करना है आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। सेव करेंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगी ये। तो ये कैसे होता है कि आपका जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी पैनल में तो है, बट ये हाइड हो जाता है, तो इस ऑप्शन को भी आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी है यूज़ नहीं करनी है यहाँ पर, तो आप कर सकते हो। ये जब यूज़ होगी, जब आप 10 या 20 फाइल्स को एक साथ एडिट कर रहे होगे, और आपको जो ऑप्शन है वो कम से कम रखने की, कम से कम फाइल में एडिट करूँ। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये है मैग्नेटिक ट्रैक, ये वाला फीचर भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपने कोई ऑडियो फाइल जो आपने रिकॉर्ड की है उसको एडिट करना है, तो उसमें से कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कि आपको ट्रिम करना पड़ जाएगा। जब आप ट्रिम करते हैं तो उसमें कुछ स्पेस बच जाता है, ठीक है, जैसे कि ये फाइल आप देख सकते हैं, इनमें बीच में स्पेस रह गया, बट आप एक तो मैन्युअली उठा उठा के रखो, उससे अच्छा है आप ये वाला जो है इसे क्लिक कर दो, तो ये मैग्नेटिक ट्रैक हो जाएगा। आप जो भी यहाँ पर आप प्लेस करोगे
वो यहीं पर आपको अटैच हो जाएगा। शुरुआत में जैसे जैसे कोई भी फाइल होगी उसके साथ में अटैच होता रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट, यानी जितनी भी फाइल्स आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं उन्हें कैमटासिया सेव, जब आप सेव करने जाएंगे तो एक फोल्डर में सेव कर देगा। ये वाला फोल्डर कैमटासिया नहीं बनाया है, तो अब देखिए ये वाला एक फोल्डर में सेव होगी। हम इसी लिस्ट में चेंज कर लेते हैं, तो लिस्ट में चेंज करके देखेंगे तो सभी फाइल्स जो हमने इस प्रोजेक्ट में अभी इंक्लूड की है, ये जो गेम वाला प्रोजेक्ट देख सकते हैं इसमें इंक्लूड किए, सब यहीं पर है। और इस पर डबल क्लिक करके हम एडिटर को ओपन कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान बना दिया कैमटासिया ने। तो पहले क्या होता था कि मिसिंग फाइल का बहुत ज़्यादा एरर आते थे, वो अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, 15 मिनट की वैसी वीडियो हो चुकी है, और जो भी छोटे मोटे अपडेट रहे हैं वो मैं आगे वाली वीडियो में कवर कर लूँगा। जितने भी ट्यूटोरियल आएंगे वो सिर्फ एक या दो मिनट के होंगे, तो उसमें सभी को कवर कर लूँगा, ठीक है। अब क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप में से बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी, बेल आइकन दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार एक यूट्यूबर को, बस सब्सक्राइबर चाहिए, कर दो सब्सक्राइब। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।